तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं वापस से आ गया हूँ आपको मेरे इस कोर्स सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स के अगले वीडियो पे लेकर के। और आज के वीडियो पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से अपने कोड्स को करेंगे, किस तरह से हम हमारे कोड को समझेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि हमने VS कोड इंस्टॉल करना आपको दिखाया था और हमारे पास जब एक आईडी आ गई है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स पे स्टार्ट करेंगे और अब से हम लोग थोड़ा बहुत सा कोडिंग देखेंगे, थोड़ा सा कोडिंग समझने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से हम हमारी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो यार चले आओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखो आज का टॉपिक। तो हमने मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कि हमने पिछले वीडियो पे इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द VS कोड देखा था, लेकिन आज के वीडियो पे हम लोग दूसरा चीज देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं मेन फंक्शन को, कि हमारे प्रोग्राम पे जो मेन फंक्शन जो होता है, जो मुख्य फंक्शन होता है, वो क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो यार आ जाओ मेरे प्रेजेंटेशन स्लाइड पे। तो यार देखो, मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन मतलब मुख्य फंक्शन, मुख्य मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्य व्यक्ति, द चीफ गेस्ट, द चीफ प्रोग्रामिंग, द चीफ फंक्शन, मतलब जो मेन फंक्शन है मेरा, जो जहां से मेरा सारा का सारा कोड लिखा जाएगा, जो मेरा सारा का सारा कोड जहां से रन होगा, उसको हम लोग कहते हैं मेन फंक्शन। वही है मेरा मेन फंक्शन। और सी पे ये बाय डिफॉल्ट एक मेन फंक्शन रहता है, एक मुख्य फंक्शन रहता है, जहां पे आपको सारे कोड्स को लिखना पड़ता है, या नहीं तो आप अगर कोई दूसरे फंक्शन को कॉल भी करते हो तो आपको उसी से कॉल करना पड़ता है। इसीलिए सी को हम लोग एक इम्पेरेटिव प्रोसीडोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोसीडियर को फॉलो करता है और प्रोसीडियर यही है कि आपको जो भी काम करना है आपको मेन फंक्शन से ही करना है। ओके, तो यार चलो आगे बढ़ते हैं और आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ कि ये फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, वो है केक बनाने का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यार आप सबने कभी ना कभी अपने लाइफ पे केक तो खाया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अपने बर्थडे पे या दोस्त के बर्थडे पे तो आपने केक खाया ही होगा। तो यार केक को किस तरह से हम लोग बनाते हैं, हम लोग सबसे पहले वो देखते हैं। यार सबसे पहले हम लोग बैटर सबको मिक्स करते हैं। ठीक है, वो जो जितना सब चीज़ ऐड करने का रहता है, घी हो, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो या बाकी सारी चीज़ें हैं, उसको ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग उस पर रॉ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं, वो चॉकलेट पाउडर हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे मिक्स किए हुए बैटर को एक कंटेनर पे स्टोर करते हैं और फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ देते हैं। और जैसे वो फर्मेंटेड हो जाता है, उसको हम लोग बेक कर देते हैं अपने ओवन पे। और जब बेक हो जाता है तब फाइनली उस पर हम लोग क्रीम्स व्रीम्स ऐड करके एक फाइनल प्रेजेंटेशन करते हैं अपने केक का। तो ये एक सिंपल प्रोसीड्योर है केक बनाने का। ये जो मेन जो ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या होता है कि ये एक प्रोसीड्योर होता है किसी एक काम को करने का। जैसे मान लो आपका ये जो केक बनाने का जो प्रोसेस है, इस पे मान लो मुझे 5 स्टेप लगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो अपने मेन फंक्शन पे ही सारे काम कर सकता हूँ, सारे कोड लिख सकता हूँ अगर मुझे इसका कोई प्रोग्राम बनाने बोले। लेकिन इससे क्या होगा कि मेरा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक एक प्रोसेस के लिए अलग अलग एक एक फंक्शंस बना सकता हूँ और उन फंक्शंस को मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ अपने सुविधा के लिए। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम लोग बनाते हैं, यही यही एक फंक्शन का पार्ट है। फंक्शन क्या करता है, वो वर्क को डिवाइड कर देता है छोटे 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 पार्ट्स पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन को अभी डेप्थ में नहीं समझने वाले, क्योंकि इस फंक्शन के लिए मैंने अलग से आपके लिए चैप्टर बना के रखा हुआ है और वो मैं तब आपको समझाने वाला हूँ। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि मोटा मोटी सी पे आप कुछ भी कोड करो, आपको एक फंक्शन पे करना पड़ेगा। और अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये मेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मेरा मुख्य फंक्शन है। हम लोग बाकी कोई फंक्शन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी मेरे कोड छोटे छोटे ही रहने वाले हैं, जिसको मैं एक ही फंक्शन से हैंडल कर सकता हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग फंक्शंस के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम लोग एकदम बेसिक लेवल पर रहेंगे और एक ही जो मेन फंक्शन होता है, क्योंकि मेन फंक्शन तो हमें बनाना ही पड़ेगा सी पे कुछ भी कोड करने के लिए, तो हम लोग मेन पे ही अभी कोड करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। तो आगे बढ़ के जब हम देखते हैं तो हमें एल्गोरिदम्स दिखता है। और एल्गोरिदम समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया हूँ, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ मेन फंक्शंस के बारे में। देखिए, अब आप कहोगे कि एक फंक्शन
एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन जब वो प्रोसेस को एक काम को कर देता है तो वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। जैसे मान लो आपने केक का एक फॉर्मूला बनाया, तो केक का पहला प्रोसेस में आपका खाली ये बैटर को मिक्स कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा मिक्स्ड किए गए बैटर को। अगले प्रोसेस पे ये रॉ मटेरियल्स और पाउडर्स को दे रहा है, मतलब ये मेन फंक्शन को अपना रॉ मटेरियल और पाउडर सेंड करेगा एज अ वैल्यू रिटर्न करेगा। उसी तरह से आपका ये जो बैटर को स्टोर करके रखता है, ये क्या करेगा, ये बैटर को स्टोर करके जब फर्मेंटेड हो जाएगा तब रिटर्न करेगा अपने मेन फंक्शन को। तो इस तरह से ये एक एक प्रोसेस एक दूसरे को कॉल कर रहा है, एक दूसरे को अपना वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या होता है, एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अब अगर आप फंक्शन का खाली इतना याद रखो कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, लेकिन आपको, आप में से अगर जिन लोगों को कोडिंग आती है तो वो कहोगे कि यार वॉइड भी तो एक फंक्शन होता है, क्या वॉइड भी कुछ रिटर्न करता है? तो मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वॉइड क्या होता है, वॉइड होता है एक नल। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना, वॉइड होता है एक नल। नल मतलब क्या, कुछ नहीं। वॉइड मतलब क्या, कुछ नहीं। जब आपका वॉइड एक ऐसा प्रोग्राम फंक्शन हो गया कि यार आपका दोस्त ऐसा हो गया कि उसने कहा कि ठीक है यार तुम मुझसे पैसे ले लो, तुम चाहो तो मुझे रिटर्न कर सकते हो या नहीं तो नहीं रिटर्न कर सकते हो, मुझे चलेगा, ऐसा बात हो गया। तो अब तुम हो अच्छे दोस्त, तो तुम्हारे दोस्त ने तुमको कह दिया कि पैसे नहीं रिटर्न करना पड़ेगा, तो तुम रिटर्न नहीं करोगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर तुम उसको उस जगह पे, अगर तुम मान लो तुमने खर्च कर दिया उसके पैसे, लेकिन तुम यार उसको बोलना चाहते हो, एटलीस्ट तुमको बुरा लग रहा है, उसको ये बोलना चाहते हो कि यार मैंने तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए, मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो तुम उस जगह पे एक रिटर्न कीवर्ड को लगा सकते हो वॉइड पे, रिटर्न जिस पे कोई वैल्यू नहीं है, खाली रिटर्न है कि तुमने कह दिया यार मैं तुम्हारे पैसे तुमको नहीं दे पा रहा हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, मैंने तुमको ऐसे भी कह दिया तो तुम खर्च कर दो, मुझे देने की जरूरत नहीं है, तो वो मान जाएगा, वो तुमको कुछ नहीं कहेगा। तो ये होता है एक वॉइड फंक्शन। और उसी जगह पे अगर हम लोग एक डेटा टाइप का फंक्शन बनाए, जैसे कि मेरा हो गया इंट, इंट मेन, जो हम लोग हमारे कोड पे पिछले वीडियो पे ही देखे थे, तो ये इंट मेन क्या हो गया, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, ये कहेगा कि यार तुम मुझसे पैसे लोगे लेकिन तुमको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रिक है, मुझे तुमको पैसे देने पड़ेंगे और तुमको कंडीशन ये है कि तुमको इंटीजर पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इंटीजर क्या होता है, जो माइनस से लेकर के प्लस तक जाता है, जीरो भी इंक्लूडेड होता है इंटीजर पे। तो क्या होता है कि इंटीजर पे वो कह रहा है कि मुझे इंटीजर पे पैसा तुम रिटर्न करो। उसने मान लो तुमको इंट 5 रुपए दिए, अब तुमसे क्या है कि तुमने यार खर्च कर दिए 5 रुपए, तुम सोच रहे हो यार क्या दूंगा मैं अपने दोस्त को 5 रुपए रिटर्न करूंगा, तो तुम उसके पैसे ले लेते हो और उसको रिटर्न नहीं करते। लेकिन यार उसने कह दिया कि यार तुमको मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत बुरा मान जाऊंगा। तो तुम कहो यार ठीक है चलो तुमको मैं रिटर्न कर देता हूँ, और तुम क्या रिटर्न करोगे पता है, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और कहोगे कि यार तुमने तो कहा था मुझे रिटर्न करने के लिए कोई एक इंटीजर, जीरो भी तो एक इंटीजर होता है, और तुम जीरो रिटर्न कर दोगे। तो यही होता है, जो आपने हमारे कोड पे भी देखा था, हमारे प्रोग्राम पे भी देखा था, हमने लास्ट में रिटर्न जीरो किया था, हमने हमारे मेन फंक्शन को जीरो रिटर्न कर दिया कि चलो ठीक है मेरा काम हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुमको 0 रुपए दे रहा हूँ। अब दोस्त गुस्सा होगा, लेकिन दोस्त क्या कर सकता, उसी ने कहा था कि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, और जीरो भी एक इंटीजर है तो उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि एक फंक्शन और एक मेन फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। देखो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन अपने वैल्यू को, ये जो रिटर्न है, ये वैल्यू को वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिटर्न करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारा जो विंडोज है, या हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मेरा कंप्यूटर हो गया विंडोज, अगर आपका मैकबुक है तो उसका है मैक ओएस, या लिनक्स है अगर आपका डिवाइस तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, सी अपने वैल्यू को डायरेक्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे भेजता है। ये जो मेन फंक्शन है सी का, वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन अगर हम कोई दूसरा फंक्शन बनाते हैं तो वो या तो अपने वैल्यू को मेन फंक्शन पर रिटर्न करता है, या इसके प्रीवियस कोई फंक्शन होगा तो उसको रिटर्न करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न नहीं कर सकता है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है मेन का और ऐसे नॉर्मल कोई दूसरे प्रोग्राम का, ठीक है। तो यार अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एल्गोरिदम्स को देखते हैं। एल्गोरिदम्स क्या होता है, एल्गोरिदम्स होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपने जो केक का जो मैंने एग्जांपल देखा था, हमने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया। हमने तो कभी ये नहीं किया कि पहले मैं ये करूँगा फिर मैं ये करूँगा, पहले मैं केक को बेक कर लूँगा उसके बाद मैं केक का बैटर मिक्स करूँगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो हमको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एल्गोरिदम वही है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को वो फॉलो करता है, ठीक है। एल्गोरिदम्स का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है, कोई एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, जैसे मान लो यहाँ पे
हो सकता है मैं केक बनाने का जो मेरा प्रोसेस है वो एक प्रॉब्लम है, मैं केक बनाना चाहता हूँ, मैं उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे लिख दूंगा। या मान लो आपको यहाँ से कहीं दूर जाना है तो आप उसके आप पूरा प्लानिंग करोगे, उसके बाद ही ना आप घर से निकलोगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। हाँ, तो अब एल्गोरिदम के बारे में हमने समझ लिया, और एल्गोरिदम के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एल्गोरिदम ना बहुत ज़्यादा ईजी भी हो सकता है, जैसे कि मान लो आपका कोई केक बनाने का फंक्शन हो, कोई चाय बनाने का एल्गोरिदम हो, कोई केक बनाने का एल्गोरिदम हो, ये ईजी हो सकता है क्योंकि यार कुछ ही स्टेप्स से मैं आराम से कर लूँगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको किसी ने कह दिया यार तुमको एक एलोप्लेन का ऑटो पायलट का एल्गोरिदम बनाना है, तुम कहोगे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। या टेस्ला का जो ऑटो कार फंक्शन है जो अपने आप चलती है उसका एल्गोरिदम बनाओ। या नहीं तो बोल दिया तुमको, तुम जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो को किस तरह से मैं यूज़र तक भेज सकता हूँ, उस यूज़र को भेजने का प्रोसेस यूट्यूब का पूरा एल्गोरिदम तुमको बनाने बोलेगा। तो यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई। तो एल्गोरिदम्स ईजी भी हो सकते हैं और एल्गोरिदम टफ भी हो सकते हैं। और हमेशा याद रखना, हम लोग सबसे पहले एल्गोरिदम को बनाते हैं, उसके बाद ही हम लोग कोड करते हैं। ये जो हम लोग का जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का पिछला प्रोग्राम था, इसको भी हमने एक एल्गोरिदम के तहत ही पहले प्लान किया था और उसके बाद ही हमने इसको कोड किया। ठीक है, अभी आप बिगिनर हो, आपको खुद से अभी नहीं बनाना। आप अभी जो हम लोग जो एल्गोरिदम्स बना चुके हैं या जो प्रोग्रामर्स पहले से जिन्होंने एल्गोरिदम बना दिया, हम लोग अभी उन्हीं पे कोड करेंगे क्योंकि अभी हम लोग बिगिनर हैं। जब हम लोगों के पास थोड़ा सा नॉलेज आएगा, जब हम लोग का लॉजिक डेवलप कर जाए, तब हम लोग खुद से अपने एल्गोरिदम्स भी बना पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, मतलब आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। ये जो मेन जो फंक्शन जो आप लिखने वाले हैं, इसको आप हमेशा स्मॉल हैंड पे ही लिखिएगा। क्यों? क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी केस सेंसिटिव है, मतलब सी पे अगर आप ऐसे मेन लिखते हो, ठीक है, और आप ऐसे मेन लिखते हो तो ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, और इसको ये कोई दूसरा डेटा टाइप समझ लेगा, कोई दूसरा कीवर्ड समझ लेगा, कोई दूसरा वेरिएबल समझ लेगा। सी का जो मेन फंक्शन का जो कीवर्ड है वो यही है, स्मॉल हैंड का मेन, और आपको इसी पे लिखना पड़ेगा, आप कोई और दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। इन सबको अलग अलग डेटा टाइप्स माने जाएंगे या अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मेन को हमें हमेशा स्मॉल हैंड पे ही लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं हमारे पिछले दिन के प्रोग्राम को जो हमने हमारे VS कोड इंस्टॉल करने के बाद लिखा था। तो यार सबसे पहला लाइन पे आप आ जाओ। ठीक है, सबसे पहला लाइन क्या कहता है, हैज इंक्लूड stdio.h। ये क्या है, ये है मेरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर मतलब जो पहले से प्रोसेस किया हुआ है, जो सबसे पहले प्रोसेस होने वाला है, जो सबसे पहले प्रोसेस कर दिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हैज इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब क्या है, जोड़ दो। मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे कोड को कि तुम जोड़ दो इस stdio.h के फाइल को। ठीक है, ये stdio.h पे जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है तुम उसको प्लीज मेरे प्रोग्राम के स्टार्टिंग पे जोड़ दो, मैंने इतना कह दिया। ठीक है, अब ये stdio.h क्या होता है, ये होता है एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का एक प्रोग्राम होता है। इनपुट आउटपुट क्या होता है कि आप किस तरह से अपने सी पे कोई इनपुट लेते हो या आउटपुट देते हो अपने प्रोग्राम पे, ये हम लोग इसके मदद से करते हैं, stdio.h के मदद से करते हैं। ये पहले से लिखा गया एक प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम को पहले से किसी ने लिख के रखा हुआ है और हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसके अंदर पे जो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है उसको अपने कोड पे यूज़ कर सके, इसीलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि हमको इंक्लूड के बाद stdio.h लिखना है, जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। हाँ, और इसके अंदर के जो कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कोड को लिखने के लिए, और इसीलिए हम लोग stdio.h को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने मेन के बारे में पता किया, हमने मेन के बारे में सब समझा कि मेन फंक्शन पे मुझे कोड लिखना है, तो हम लोग इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल इतना जानते हैं कि हमको पहले मेन के अंदर ही कोड करना पड़ेगा, हमको पहले एक फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, और हम लोग एक ही फंक्शन अभी बनाना सीखेंगे जो कि हमारा मेन फंक्शन। तो अब ये जो पहला जो कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं, ये होता है मेरा लॉजिक का स्टार्टिंग, मेरा कोड का लॉजिक, मेरे फंक्शन के अंदर का कोड का लॉजिक यहां से शुरू हो रहा है, और ये जो होता है ये होता है कोड के लॉजिक को एंड करने का सिंबल। ठीक है, तो अब हम लोग ये प्रिंट एफ को देख रहे हैं। ये प्रिंट एफ क्या है,
ये printf एक लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन है मतलब ये जो stdio.h जो फाइल आपने लिया, आपने जो अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से stdio.h को लिया, उस फाइल के अंदर पे ये printf का फंक्शन पूरा लिखा हुआ है। और आपको कुछ नहीं करना है, आप चूंकि आप इसको इंक्लूड कर लिए तो आप उसके अंदर के फंक्शन को इस्तेमाल कर ही सकते हो। आप अपने मेन से उस फंक्शन को कॉल लगा रहे हो और कॉल लगा करके आप उस पर क्या कर रहे हो, दो इन्वर्टेड दो कॉमास लगा रहे हो, आपसे दो सेमीकॉलन्स लगा रहे हो और उसके अंदर पे आप अपना जो भी है टाइप कर रहे हो हेलो वर्ल्ड, आप उसके अंदर टाइप कर दे रहे हो और वो एज इट इज आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप इस प्रिंटेड फंक्शन के अंदर में जो भी आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखोगे, जो भी आप लिखोगे, वो एज इट इज आपके प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपके प्रिंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात है। अब इस हेलो वर्ल्ड के बाद ये मेरा प्रोग्राम स्टेटमेंट हो गया, ये पूरा का पूरा एक लाइन मेरा प्रोग्राम स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब जो हेलो वर्ल्ड हो गया ये मेरा प्रिंट हो गया, प्रिंट एफ फंक्शन है तो ऑब्वियसली होगा। इसके बाद मेरा ये बैकस्लैश एन है, इसको हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है कि ये कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं अपने राइटिंग कोड अच्छे से लिखने का। जैसे होता है ना कि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कॉमा देते हैं, थोड़ा सा टैब देते हैं, थोड़ा सा फुल स्टॉप देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसी तरह से क्या हुआ कि हेलो वर्ल्ड के बाहर जब हमने एक बैकस्लैश एन लगा दिया, ठीक है, ऐसे, तो इससे क्या हुआ कि इससे मेरा कोड को एक नया लाइन मिल गया। मतलब यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, इसके बाद एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगा नीचे। ठीक है, मतलब एक स्पेस छोड़ देगा, जैसे हम लोग इंटर की दबाते हैं ना कुछ लाइन को टाइप करने के बाद, ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, इसके बाद और भी बाकी बहुत सारे स्केप सीक्वेंस है, इसको हम लोग अच्छे से बाकी वीडियोस पे समझेंगे। इसके बाद आता है मेरा ये सेमीकॉलन, और सेमीकॉलन सी पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमीकॉलन हर एक लाइन को टर्मिनेट करता है। मतलब मेरा ये जो पहला लाइन है इस लाइन का फुल स्टॉप, जैसे हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं, उसी तरह से ये सेमीकॉलन मेरे सी कोड का फुल स्टॉप है कि मेरा पहला लाइन बस यहीं तक था, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। तो ये पहला लाइन को टर्मिनेट करने का ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। सेम टू सेम यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ने जो कहा था कि क्योंकि मेरा इंटीजर टाइप है तो मुझे उसको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो मैंने उसको क्या रिटर्न किया, मैंने उसको जीरो रिटर्न कर दिया। मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने जीरो रिटर्न कर दिया। ठीक है, जैसे ही मेरा जीरो रिटर्न हो गया और बस मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और नीचे में यहाँ पे सुंदर से मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, मेरी राइटिंग उतनी सुंदर नहीं है बट काम चला लोगे यार, ऐसे राइटिंग अच्छी है लेकिन इन माउस से इतना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट हो गया। तो यही था आज का वीडियो। आज का वीडियो में हमने बेसिक से खाली मेन फंक्शन को समझा और अपने कोड को थोड़ा सा देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड यार मैं मेरे टारगेट के बहुत करीब हूँ, मैंने मेरे चैनल पे 99 सब्सक्राइबर्स हो गए और सिर्फ एक सब्सक्राइबर चाहिए 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप उसको भी कर दोगे इस वीडियो के अंत तक में आप कर ही दोगे। और वीडियो को आप यार ठीक से लाइक नहीं कर रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलना यार, लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। और आप थोड़ा सा मुझे राय भी दे दो कि आपको किस तरह से एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, आपको इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है, या मैं किस तरह से अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस बारे में मुझे फीडबैक दो मेरे कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।